हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ केसर पिस्ता मलाई केक। आप मेरी चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं केसर पिस्ता मलाई केक। हमें केसर पिस्ता मलाई केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले 3/4 कप दही लिया है, आप देख सकते हैं। एक चौथाई बटर, हमने बटर यहाँ सॉल्टेड लिया है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और एक कप शुगर, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ सभी चीजें रूम टेम्परेचर वाली ही ली है, आप भी रूम टेम्परेचर वाली लिए जिससे हमारा केक बढ़िया बनेगा। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेजरमेंट कप। आपको मैंने जिस कप से दही डाला उसी कप से मैंने मैदा माप लिया है, मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से छान लूंगी। और उसी कप से मैंने यहाँ पे 3/4 मिल्क पाउडर लिया है। अब मैं उसे भी छान लूंगी। अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और मैंने यहाँ पे एक कप, 1/2 कप जितना मिल्क लिया है वो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। हमें ये स्मूथ बैटर तैयार करना है, हमें इसमें एक भी गुठलिया नहीं रहनी चाहिए बैटर में। हम जितना स्मूथ बैटर तैयार करेंगे उतनी ही हमारी केक स्पॉन्जी बनेगी। मैंने यहाँ पे 1/2 कप
पूरा डाल दिया है। आप देख सकते हैं हमारा बेटर कितना स्मूद है। हमें इसमें एक भी गुठलिया नहीं देंगे। आपको एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना रहेगा। आपको सॉफ्ट केक चाहिए तो मेरे बताए हुए इंग्रेडिएंट्स प्रमाण आप जो केक बनाएंगे तो बढ़िया केक बनेगी आपकी मलाई पिस्ता केक। आप देख सकते हैं हमारा बेटर कितना स्मूद बना है। अब मैं इसे ऐसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक हम एक प्रीहीट करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। आपको ऐसी मोटे तले वाली कढ़ाई लेनी है। अब मैं इसे प्रीहीट करने के लिए छोटे बर्नर पर इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूंगी। पांच मिनट फुल आंच, 5 मिनट धीमी मध्यम आंच पर हमें इसे प्रीहीट करना रहेगा। और ऐसा आपको स्टैंड लेना रहेगा। अब मैं इसे ढक देती हूँ। आपको इसे 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट करना रहेगा। हमारा 5 मिनट हो चुका है। मैं अब इसे ओपन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा बेटर कितना फ्लफी है। अब मैं इसमें केसर के थोड़े तार ऐड करूंगी। हमें केसर पिस्ता मलाई केक बना रहे इसलिए मैं इसमें केसर ऐड करूंगी थोड़ी सी। आप देख सकते हैं एक चुटकी हमने केसर ऐड किया है। और आधी टीस्पून इलायची पाउडर। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें लास्ट में बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। वो हमने पहले ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पहले ऐड करेंगे तो हमारे जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का असर होता है वो निकल जाता है, तो उसके बाद हमारी केक फ्लफी एंड स्पॉन्जी नहीं बनेगी। आधी टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। वन टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं।
अब देख सकते हैं हमारा बैटर थोड़ा डबल हो गया है, फूल गया है। अब मैं इसे केक टिन में डाल दूंगी। मैंने यहाँ पहले से ही केक टिन को ऑयल लगा के रखा है। अब मैंने सारा बैटर इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं जो हमने प्रीहीट करने के लिए कढ़ाई रखी थी, अब मैं उसमें रख देती हूँ। हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है, 10 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें केक टिन रख देती हूँ। अब मैं इसे बेक 30 मिनट के लिए करूंगी, 10 मिनट फुल फ्लेम और 20 मिनट धीमी आंच पे स्लो। आपको 30 मिनट के लिए बेक करना रहेगा। अब हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे केक को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना बढ़िया फूला हुआ है। अब नाइफ को डाल के चाकू से हम चेक क्लीन। अभी हमारा केक अभी थोड़ा कच्चा है, हमारा केक थोड़ा कच्चा है, इसलिए हम फिर से 10 मिनट तक इसे रखेंगे बेक करने के लिए। उसके बाद फिर से चेक करेंगे। हमारा केक अभी 10 मिनट के लिए बेक हो रहा है, तब तक हम इसकी मलाई बना लेते हैं। अब मैंने मोटे तले वाली एक कढ़ाई ली है, अब मैं उसमें 3 कप मिल्क ऐड करूंगी। अब मैं थोड़े से काजू बारीक काटे हुए, थोड़े बादाम बारीक काटे हुए, थोड़े किशमिश, थोड़े पिस्ता और थोड़ी सी चुटकी केसर। अब मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज करूंगी, वो भी 1/2 कप। आधा कप शुगर, आधी टीस्पून कॉर्नफ्लोर, अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो जाने के बाद हम इसे गैस की फ्लेम पर रखेंगे पकाने के लिए। हमने जो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, हमें उसकी गुठलियां बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, उस तरह से ये सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स करनी रहेगी। अब हमारे 10 मिनट भी हो चुके हैं, अब हम इस केक को चेक कर लेते हैं दोबारा। अब हमारा चप्पू बिल्कुल साफ क्लीन निकला है, आप देख सकते हैं। अब हमारी केक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे कढ़ाई में से निकाल लूंगी और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैंने केक को निकाल लिया है, अब मैं रूम टेम्परेचर पर आने तक इसका वेट करूंगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम स्टार्ट की है, अब मैं इसे लगातार चलाते ही रहूंगी, वरना जो हमने कॉर्नफ्लोर एंड मिल्क पाउडर ऐड किया है वो नीचे बैठ जाएगा और उसकी गुठलियां हो जाएगी। हमें ऐसे ही लगातार चलाते ही रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारा उबाल आने का मलाई के में उबाल आ रहा है। हमें इसे अभी 5 से 10 मिनट तक इसे पकाना रहेगा। हमने इसमें मलाई ऐड की है, इसलिए हमारी मलाई में हम बढ़िया कलर आया है। जो हमने इसमें केसर ऐड की है इसलिए, और टेस्ट भी बढ़िया है। अब हमारा उबाल आ गया है, अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करूंगी। फिर अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूंगी। इसे हमें लगातार चलाते ही रहना पड़ेगा और ऐसे
मलाई जो जम जाती है उसे हमें ऐसे निकालता रहना पड़ेगा। जिससे हमारी मलाई एकदम गाढ़ी बने। आप देख सकते हैं हमारी मलाई पहले से भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। आपको भी ऐसी ही करनी रहेगी। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं हमारा अभी रेडी हो चुके हैं। मैं अभी से निकाल लेती हूँ एक बाउल में। आपको भी इतनी ही गाढ़ी रखनी पड़ेगी। अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं केक को डिमोल कर लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने बाउल में निकाल लिए हैं ये रबड़ी मलाई को। अब मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसे केक पर डेकोरेट करूंगी। देख सकते हैं हमारा केक कितना बढ़िया स्पंजी हुआ है। अब मैं इसे साइड में से डिमोल करने के लिए ऐसे साइड में से पहले कर लूंगी और एक प्लेट में इसे उल्टा करूंगी। अब दो से तीन बार ऐसे टेप करूंगी तो ये अपने आप निकल जाएगा। देख सकते हैं आसानी से हमारा केक बाहर आ गया है। अब देखिए कितना स्पंजी सॉफ्ट केक है ये हमारा। अब मैं ये छुरी की मदद से इसे मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना जालीदार और स्पंजी है। अब मैं जो हमने फ्रिज में मलाई रखी थी अब मैं इसको ठंडा हो गई है। अब मैं उसके इस पर डेकोरेट करूंगी। अब हमें इस पर मलाई डालेंगे जो हमने ठंडी करने के लिए फ्रिज में ऐड की थी। इसी तरह हमें सारी केक पर मलाई डाल देंगे। Thank you.
देख सकते हैं मैंने मलाई से डेकोरेट कर दिया है। हमारी केसर पिस्ता मलाई केक रेडी हो चुकी है। जो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।